हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज ऑरेंज कलर का आर्ट शेड बनाना सीखते हैं कि डार्क से लाइट आर्ट प्रकार के शेड कैसे बनाया जाता है ऑरेंज कलर के। तो सबसे पहले ये एक वाइट रंगोली है, ये थोड़ा सा मीडियम मोटा दाने का है तो ये फ्रीली गिरता है। तो ये व्हाइट रंगोली में तीन प्रकार के आते हैं, एकदम डस्ट यानी पाउडर जैसा आता है, फिर थोड़ा बारीक दाना का आता है और थोड़ा सा मोटा दाना का आता है। तो जो बारीक है, जो मीडियम दाने का आता है तो वो थोड़ा सा फ्रीली गिरता है, तो जब हम भी डॉट बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो वो बनाने में आसान रहता है। तो ये थोड़ा सा मीडियम मोटा है, तो इससे हम आठ प्रकार के ऑरेंज शेड बनाना सीखेंगे। तो अपने पास आठ कलर के सेम क्वांटिटी में रंगोली होना, तो इसलिए आठ कटोरी लिए हमने और सभी में आधा आधा कटोरी सफ़ेद रंगोली लिए और उनको एक जगह किए, क्योंकि अपने को सेम क्वांटिटी में रंगोली होना आठ कलर के शेड। तो सबसे पहले व्हाइट कलर में ऑरेंज कलर की ये रंगोली पाउडर है, ये जो कोई भी हार्डवेयर की दुकान है या जहाँ पर भी कलर मिलता है, जहाँ पे भी मूर्ति कलर, मूर्ति के लिए कलर बेचते हैं लोग, तो यहाँ पर मिल जाता है। तो हम सबसे पहले जो लाइट कलर है वो करेंगे, वो बनाएंगे। तो ये हमने ये ऑरेंज कलर मिलाए और एक शेड बनाए और आधा कटोरी वहाँ से उठा के एक कटोरी में डाल दिए। तो फिर जितना बचेगा उसमें थोड़ा सा और ऐड करना है ऑरेंज कलर, तो उससे थोड़ा सा डार्क बनेगा। अब ये डार्क बना तो इनमें से और आधा कटोरी उठाएंगे और दूसरे जो कटोरी है उसमें डालेंगे, फिर इसमें और थोड़ा सा ऑरेंज पाउडर मिलाएंगे। तो इस जो डार्क पहले था को हमारा जो रंगोली आधा कम हो गया ना, दो कटोरी कम हो गया, तो हम कलर डालेंगे तो डार्क होते जाएगा। तो ये और थोड़ा सा डार्क हो गया तो अपने रंगोली भी कम हो रहे हैं और हम ऐड भी कर रहे कलर, तो उससे क्या हो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। तो हमने एक दो तीन और एक कटोरा ऐसे थोड़ा डार्क करेंगे। उससे थोड़ा सा डार्क हुआ, लाइट डार्क डार्क डार्क। अब इसमें और यदि डार्क करना है तो इसमें थोड़ा सा रेड मिलाएंगे, ये थोड़ा सा रेड मिलाएंगे हम यहाँ पर ऑरेंज में, तो थोड़ा डार्क बनेगा उससे, जो ऑरेंज है अपने पास जो कलर बना है उससे थोड़ा सा और डार्क, क्योंकि हम लोग को डार्क बनाना है लाइट से, ऐसा आठ शेड बनाना है। तो चार बन गया तो और थोड़ा सा डार्क बना, उसमें से और आधा कटी उठा के रख दिए, इसमें और थोड़ा सा रेड ऐड करना है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो गया, तो उसमें से और एक कटोरी आधा कटोरी उठा के अलग रखना है, फिर इससे भी थोड़ा डार्क करना तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाना है, थोड़ा सा ब्लैक मिलाना है। अब ज़्यादा ब्लैक मिलाओगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, पहले थोड़ा सा मिलाइए, यदि आपको ज़रूरत है तो फिर से मिलाइए, लेकिन पहले एक साथ ज़्यादा मत डालिए। फिर उससे एक कटोरी उठा लिए तो इसके बाद और थोड़ा सा ब्लैक मिलाएं तो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया। तो इस प्रकार हम आठ प्रकार के रंगोली जो हमारा सेम क्वांटिटी में बना है सभी आठ कटोरी में, तो ये डार्क से लाइट तक के ये शेड बना है आठ शेड। जब भी हम कुछ फूल बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, हम कोई शेड का यूज़ करेंगे आगे जाके, हम शेड से बहुत सारे रंगोली बनाएंगे अलग अलग शेड के, तो इसलिए हम अपने को ये शेड बनाना आना चाहिए, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कैसा शेड बनाते हैं। ऐसे इस प्रकार आप 8, 10, 15 भी शेड बना सकते हैं। ये एक छोटा सा ढक्कन है जो होम्योपैथी दवाई मिलता है, जो छोटे छोटे बोतल में प्लास्टिक के उसके एक ढक्कन है, और उसमें आइसक्रीम स्टिक के ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक से चिपका दिए, तो एक डॉट डालने का टूल बन गया। अब हम दो दो एक एक कलर का दो दो डॉट बनाएंगे और एक फूल बनाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे
सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि हम आगे आगे इस प्रकार के बहुत सारे शेड के रंगोली सीखेंगे, अलग अलग प्रकार के रंगोली, टिक्स, स्ट्रिप, पोस्टर रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली, ये सारी चीज हम सीखते जाएंगे। यदि आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम चैनल के साथ बने रहे। आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइए, आपको कोई सजेशन है तो भी कमेंट में लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार एक सुंदर सा फूल, बस एक डेमो है ये, कि इस प्रकार से हम आगे आगे जो रंगोली बनाना सीखेंगे कलर का, शेड का, तो इस प्रकार शेड बनेगा, जैसे लाइट से थोड़ा डार्क। इस प्रकार आगे आगे और जो आने वाला वीडियो है इसमें और देखेंगे कि जो अलग अलग शेड कैसे बनाया जाता है सेम क्वांटिटी में। तो चैनल के साथ बने रहिए, अगले वीडियो हम ब्लू कलर के दूसरे तरीके से, आठ तरीके से, आठ शेड कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे अगले वीडियो में। तो जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगता है आपको वीडियो और आपको क्या सीखना है, आप क्या चाहते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।